बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ज़ेरॉक्स वर्क सेंटर 58 सीरीज़ की फ़ोटोकॉपियर मशीन के बारे में है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर ट्रे वन ट्रे टू में पेपर जैमिंग का इशू आ रहा है, पेपर आउट नहीं हो रहे, पेपर आउट होने से पहले ही जैम हो जाता है, तो उसका सलूशन क्या है। उसके लिए आपको जो इसकी फीड मोटर होती है उसको रन करना पड़ता है और फीड रूलर की क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड जानेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले हमने लॉगिन करना है। ये स्टार हैश और ये स्टॉप को एक साथ प्रेस करना होता है। स्टार हैश और स्टॉप को एक साथ आपने प्रेस करना है। यहाँ पर कोड लिखना है 6789 और इंटर करना है। यहाँ से आपने आना है डायग्नोस्टिक्स में और यहाँ से ये DC330 कंपोनेंट कंट्रोल में। इसके बाद अब आपने ये चैन वाली जगह पे क्लिक करना है, यहाँ से नीचे आना है ये 081 पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही 081 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें T1 फीड मोटर, T2 फीड मोटर, Tray 1 फीड मोटर, Tray 2 फीड मोटर और Tray 1+2 ट्रांसपोर्ट मोटर, ये तीनों इस जगह पे आ जाएंगे। अब आपने यहाँ से इनको बारी बारी इस पर क्लिक करें, ऐड करें, यहाँ पे आ गई, इस पर क्लिक करें, ऐड करें, ये आ गई और इस पर क्लिक करें और ऐड करें, ये आ गई आपकी तीनों इस जगह पर। अब आपने सबसे पहले, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये है Tray 1 और ये है Tray 2। अब हमने ये किस तरीके से रन करके क्लीनिंग करनी है, ये देखें Tray 1+2 ट्रांसपोर्ट मोटर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है, ये देखें ये रन होना शुरू हो जाएगी। किसी भी मुलायम साफ कपड़े से गीले कपड़े को आपने लेना है और आपने यहाँ पे ये देखें, फिर उसके बाद ये इसको क्लीन करें, इनको क्लीन करें, ये वक्त के साथ साथ आपने क्लीनिंग करनी है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आया करे पेपर जैमिंग वाला इस तरफ से। ये देखें यहाँ से आपने, उसके बाद ये इस तरीके से आपने इन सब को क्लीन करना है। ये देखें नीचे भी, यहाँ से भी आपने इनको क्लीन कर रहा है। अगर ये स्टॉप हो जाती है चलते चलते तो वहाँ से दोबारा आपने स्टार्ट कर लेनी है। इनको आपने क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको स्टॉप करें, स्टॉप होगी। अब Tray 1 इस पर क्लिक करें, स्टार्ट। अब ये देखें Tray 1 मैंने बाहर निकाली हुई, आपने Tray 1 और 2 दोनों बाहर निकाल लेनी है। तो ये नीचे इसके ये आपको रूलर नज़र आ रहे होंगे, ये घूम रहे हैं, इनको भी आपने गीले कपड़े के साथ इसी तरीके से साफ़ कर लेना है रख के, ताकि ये भी साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से और पेपर जैमिंग का मसला हल हो जाए। कोई भी गीला कपड़ा आप लेंगे और आराम से आपने यहाँ पे इस जगह पे ये देखें, इनको भी आपने क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी स्टॉप करना है, ठीक तरीके से आपने क्लीन कर लेना है। मैं सिर्फ वीडियो आपको समझाने की खातिर बना रहा हूँ, वैसे मशीन में कोई इस वक्त फॉल्ट नहीं है। स्टॉप, Tray 2 को भी इसी तरीके से आपने बाहर निकालना है और Tray 2 के भी आपने यहाँ से रन कर लेना है इस तरीके से, और आपने उसको भी क्लीन कर लेना है। स्टॉप, उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज़ करना है, क्लोज़ आउट और एग्ज़िट कर दें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपके पास मसला आ रहा है पेपर जैमिंग का Tray 1 Tray 2 में पेपर आउट होने का, तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।